हर एक राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है। हमें दूसरों की भाषा सीखने का मौका मिले यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भाषा के चलते अपनी भाषा को छोड़ना पड़े तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है। हिंदी में कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। अर्थात जिस प्रकार एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है, वैसे ही चार कोस की दूरी पर भाषा भी बदल जाती है। हिंदी पूरे भारत को एक साथ जोड़कर रखता है और इसीलिए हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। यही कारणवश स्वतंत्र भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। दोस्तों, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें आप जैसे बोलते हो वैसे ही लिख सकते हो। दूसरी भाषा में शायद ये मुमकिन नहीं है। भारत में कुल 461 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी हमारी 77% आबादी हिंदी बोलती भी है और समझती भी है। इसीलिए 1977 में पहली बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया था। शायद आप जानते नहीं होंगे, 2000 में सबसे पहला हिंदी वेब पोर्टल आया था। आज हर 5 में से एक व्यक्ति हिंदी में इंटरनेट चलाना पसंद करता है। अगर आप चाहे तो यह चीज गूगल या यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। मित्रों, आज हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है नमस्ते। और हाँ, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय सहित पूरे विश्व में 176 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। हमारी ONGC में भी हिंदी को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिले इस हेतु सर हर साल राजभाषा उत्सव मनाया जाता है। मित्रों, आपको ये जानकर अधिक खुशी होगी कि पिछले दिनों 13 सितंबर 2019 को NMDC सभागार दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के भव्य कार्यक्रम में तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा को सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए ONGC को प्रथम पुरस्कार मिला है। मित्रों, मुझे इसीलिए गर्व है हमारी ONGC पर, हमारी राजभाषा पर, और मैं मानता हूं कि मेरी भाषा ही मेरी पहचान है। तुतलाती जुबा में हमने जब अपना मुंह खोला था, माँ अम्मा कहके तब हिंदी में ही बोला था। अंग्रेजी स्कूलों में जब समझ नहीं कुछ आता था, तब समझाने की खातिर हिंदी में बतलाया जाता था। प्रेमी से मिलकर जब वापस हम आया करते थे, याद करो तब भी तो हम हिंदी में ही गाया करते थे। उत्तर से दक्षिण तक हिंदी ही तो साथी है, बोले ना बोले कोई पर समझ सभी को आती है। देश से बाहर जाकर जब लिखा कहीं हिंदी में पाया था, बड़े गर्व से लोगों को ये मेरी भाषा है यह कहके बतलाया था। देश जोड़ती मान बढ़ाती यह अपनी पहचान है, हिंदी हिंद की भाषा है, इस पर हम सबको अभिमान है।